हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स कंप्यूटर इंदौर। सी और सी प्लस प्लस के कई लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर चुके हैं और आपका बहुत सारा रिस्पांस हमें मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आप अपनी क्यूरीज हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। और उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज फंक्शंस। फंक्शन इटसेल्फ अ प्रोग्राम, फंक्शन खुद अपने आप में प्रोग्राम होता है, विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ मेन फंक्शन। अभी तक आप मेन फंक्शन पे काम करते हैं, मेन फंक्शन जो होता है जैसे से आप काम कर रहे हैं सारा मेन फंक्शन में होता जा रहा है, लेकिन उसके कारण मेन फंक्शन की साइज क्या होती जा रही है, बहुत बड़ी हो रही है। तो अब हम जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स का कुछ पोर्शन किसी दूसरे फंक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर उस फंक्शन को आपको जब जरूरत होती है आपको केवल उसे कॉल करना होता है, जिससे आपके मेन फंक्शन के ऊपर से लोड कम होने लगता है। वो कैसे होता है हम उसको प्रॉपर्टी वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है, देयर आर थ्री बेसिक थिंग्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन में तीन चीजें होना चाहिए। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, मतलब जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इसी तरह आपको अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है। दूसरा, उस फंक्शन की कॉलिंग, जब आप उस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसको कॉल करना पड़ेगा, लेकिन जब कॉल करेंगे तो वो फंक्शन क्या ऑपरेशन करेगा, वो सारी की सारी चीजें उसके डेफिनेशंस में मेंशन होती है। तो फंक्शन में तीन चीजें रिक्वायर्ड है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, कॉलिंग एंड थर्ड डेफिनेशन। फंक्शन के रिटर्न वन वैल्यू एट ए टाइम, मतलब फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसमें वैल्यू रिटर्न करने की बात कराते हैं आप उससे, तो फंक्शन एक समय में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इट हैज सम रिटर्न टाइप, मतलब जो फंक्शन होता है उसके कुछ रिटर्न टाइप्स होते हैं। अभी तक आप मेन प्रोग्राम बनाते हैं उसके आगे void लिखते आते हैं, बहुत से लोगों का कहना होता था सर ये void क्यों लिखते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब इस लेक्चर्स के थ्रू आपको void क्यों लिखा जा रहा है फंक्शन चैप्टर से आपको समझ में आने लगेगा। void क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, और जब आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो वो नथिंग रिटर्न कहलाता है, तो हम उसके आगे void लिख देते हैं। और यदि आपने void नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। आपके मेन फंक्शन के पहले यदि आप void नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और आपको अपने मेन फंक्शन में रिटर्न शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और मेन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपके कंपाइलर को रिटर्न करेगा। ये हम आगे समझते हैं। फिर यदि आपने अपने फंक्शन के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो वो इंट, या फिर आप इंट भी लिख सकते हैं यदि आपका फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यदि आपका फंक्शन कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप उसके आगे CHAR लिखेंगे, यदि आपका फंक्शन फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप फ्लोट लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि सर फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक आपने जो फंक्शंस बनाए उसे हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, या पहले से बने हुए फंक्शन, जिसके अंतर्गत आप गेट CH का यूज करते हैं, एग्जिट का यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। लेकिन नाउ टूडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर अपने फंक्शंस कैसे बना सकता है। तो मैं आपको बना के ही बता रहा हूं, तो देखते हैं अपन कैसे इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम पहले हम फंक्शन के थ्रू बनाते हैं जिससे आपको उसका यूज समझ में आता है कि वो कैसे काम करता है। लेट्स सी, बहुत ही आसान सी बात है। अभी आप जो प्रोग्राम बनाते हैं, लेट सपोज मैं एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, आप एक एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं, आपने बोला void main, है ना, आपने void main बोला, इसके अंतर्गत आज आप देखते हैं आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a कॉमा b कॉमा c, आपको इसकी वैल्यू लेना हो आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं इंटर टू वैल्यूज, इंटर टू वैल्यूज लिखा आपने, फिर आप इसको स्कैन करा लेते हैं, स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी, इसके बाद आप ए और बी का एडिशन करके सी में इंस्टॉल करते हैं, है ना, सी को असाइन कर देते हैं। अब आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट से एड इक्वल टू ऐसा मैसेज देके सी की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। एम आई राइट, आई थिंक आपने ये बेसिक प्रोग्राम सीखा हुआ है। ठीक, अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको बताता हूं कि इसको आप फंक्शन के थ्रू बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेट्स सी, इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। आपको अपनी हेडर फाइल जो डिक्लेयर करना है वो आपको डिक्लेयर करना है। यहां पर आए, आपने बोला void main, void main में आए, आपने void main डिक्लेयर किया, मैंने यहां पर एक एड नाम के फंक्शन को फॉलो किया गेट CH, और डियर फ्रेंड्स ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। सी,
आपने पहले एक ये प्रोग्राम बनाया और अब मैंने एक ये प्रोग्राम बनाया। सो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन का फॉलोअप किया, जबकि मेन फंक्शन में मैंने केवल 2 लाइन का फॉलोअप किया। तो सर ये getcs तो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो अपना काम करेगा और उसका सारा काम जो है वो उसकी हेडर फाइल conio.h में मेंशन है, लेकिन एड फंक्शन क्या काम करेगा? तो हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसका नाम हमने एड रखा है, लेकिन उस फंक्शन को काम क्या करना है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन की बॉडी के बाद मैं यहां पर लिखता हूं एड, इसकी अपनी भी खुद की बॉडी होगी, इसके अंतर्गत मैंने इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी वेरिएबल डिक्लेयर करे, फिर इसके अंतर्गत हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट जिसके अंतर्गत हमने बोला इंटर टू वैल्यूज, ठीक है, इसके बाद मैंने इसको स्कैनएफ करा लिया, स्कैनएफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी, ठीक। इसके बाद आपने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी, और अब हम जो सी की वैल्यू है उसको प्रिंट करा देते हैं एड इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा सी, और उसके बाद एड फंक्शन की बॉडी को मैंने क्या करा, बंद कर दिया। अब आप एक चीज देखें, इस पूरे फंक्शन में कहीं पर रिटर्न शब्द लिखा है क्या? देखिए कहीं रिटर्न शब्द नहीं लिखा है, इसका मतलब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हमने देखा था कि जब कोई फंक्शन रिटर्न वैल्यू नहीं करता तो मैंने आपको बताया था नथिंग रिटर्न के केस में हम क्या यूज करते हैं, वॉइड। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन के आगे लिख देना है वॉइड, और जैसा आपने यहां पर लिखा है पूरा का पूरा आप मेन के ऊपर लिख दीजिए वॉइड एड, और इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था फंक्शन की तीन प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले डिक्लेरेशन, तो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कॉलिंग, सो दिस इज कॉल्ड कॉलिंग, ठीक है, और तीसरी चीज मैंने बोली थी आपको डेफिनेशन, सो दिस इज द डेफिनेशन। तो फंक्शन में तीन चीज होती है डिक्लेरेशन कॉलिंग और डेफिनेशन, लेकिन सर ये फंक्शन बनाया क्यों हमको, तो ये समझना है सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन इटसेल्फ अ प्रोग्राम, खुद देखो सबसे पहले अपने आप में एक प्रोग्राम है, जैसे मेन के अंदर एक प्रोग्राम था एबीसी नाम के वेरिएबल डिक्लेयर है, वैल्यू ली, ऑपरेशन किया, सारा काम किया। तो फंक्शन इटसेल्फ अ प्रोग्राम विच इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ मेन फंक्शन। आप सोचो मेन फंक्शन कितनी लाइन का था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब मेन फंक्शन कितनी लाइन का, केवल 2 लाइन का, मतलब इसने आपकी 4 लाइन रिड्यूस कर दी, ठीक है ना। तो इससे हो क्या रहा है, आप ये समझो ये 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, ये 3 नंबर लाइन है ना, आपकी ब्रैकेट टकराने की। इसके बाद वॉइड मेन 4 है, इसके बाद ब्रैकेट 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये 11 नंबर की लाइन, ऐसा आप थोड़ा सा अज्यूम करें। सबसे पहले प्रोग्राम वॉइड मेन में आता है, 8 पे आता है, तो 1 नंबर लाइन के बाद कौन सी लाइन चलनी चाहिए, 2 नंबर। लेकिन यहां से आपको ध्यान रखना है जैसे ही 1 नंबर पे कॉल आता है तो प्रोग्राम वॉइड मेन पे चला जाता है, जैसे गेट सी एच पे जाता था ये प्री डिफाइंड फंक्शन था, लेकिन एड यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो जैसे ही आपने एड पे आपके कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्ट प्रोग्राम यहां पर आ जाएगा। यहां पर आने के बाद एबीसी नाम के वेरिएबल डिक्लेयर हुए, ए और बी की वैल्यू हुई, उनका आपने एडिशन करा, वैल्यू उसकी प्रिंट भी हो गई। उसके बाद प्रोग्राम काय से टकराएगा, 11 नंबर की लाइन जो आपकी बॉडी है इससे टकराएगा, और बॉडी से टकराने के बाद प्रॉपर वापस से ये वहीं पर रिटर्न होता है जहां से इसको कॉल किया गया था। तो फंक्शन यहां से वापस रिटर्न हो रहा है, लेकिन रिटर्न होते समय कोई वैल्यू लेके नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने इसको वॉइड किया, मतलब वॉइड लिखा उसके आगे रिटर्न टाइप में। अब इसके बाद गेट सी एच 2 नंबर की लाइन है, उसके बाद बॉडी से टकराएगा, प्रोग्राम शुरू होता है मेन में और मेन के अंदर ही खत्म हुआ। तो इससे क्या हुआ, मेन के ऊपर से लोड कम हो गया। आप ऐसा समझ सकते हो कि जहां मेन के ऊपर 4 लाइन या 8 लाइन का प्रोग्राम था, अब मेन के ऊपर केवल 2 लाइन का लोड हो गया। इस तरह से आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि लेट सपोज आज आपके फादर टेलर थे, जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो पूरा काम उन्हीं को करना पड़ता था। कोई कस्टमर आता था तो वो सबसे पहले क्या करते थे, कस्टमर का मेजरमेंट ले लेते थे, नाप ले लेते थे, फिर कपड़े की कटिंग करा करते थे, फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग करते थे और दे देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका यदि बिजनेस बढ़ने लगा तो अब उन्होंने क्या करा, या तो फैमिली के किसी मेंबर को जोड़ लिया या किसी इंप्लॉय को ऑफिस में रख लिया। उन्होंने सपोज करो एक रामू नाम के व्यक्ति को अपने यहां रख लिया। अब कोई आता है तो बोलते रामू जल्दी जा नाप ले लो, तब रामू नाप ले लेता है। फिर रामू से बोलते हैं रामू कटिंग कर लो, तो रामू कटिंग कर लेता है। फिर रामू को बोलते हैं रामू स्टिचिंग कर लो,
रामू स्टिचिंग कर लेता, उसके बाद पापा उसको चेक करते फॉलोअप हो जाता। तो काम तो वही है लेकिन अब वो पापा ना करते हुए रामू कर रहा है, इससे पापा के ऊपर से लोड क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इसी चीज को आप ऐसा भी देखते कि यदि लेट सपोज आपने दो बार एडिशन किया, आपको वापस से एडिशन करना होगा तो आप क्या करोगे, आप वापस से प्रिंट एफ स्कैन एफ वैल्यू का एडिशन करोगे, ठीक है, उसको वापस से प्रिंट कराओगे और गेट सी एच करोगे। मतलब आपको मेन प्रोग्राम में वापस से दो वैल्यू लेके एडिशन करना होगा तो आपको वापस से प्रिंट एफ स्कैन एफ करके दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका आउटपुट देना पड़ेगा। जबकि वही काम यदि आपको इस फंक्शन के थ्रू करना है तो आपको कुछ नहीं करना, उस फंक्शन को आप बस दोबारा एक और बार कॉल कर दीजिए। तो पहली बार कॉल किया था ये सारा काम हुआ, वापस प्रोग्राम वही जाएगा, आप दूसरी बार फिर कॉल कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये काम होता रहेगा। मतलब जिन स्टेटमेंट्स की हमें ज्यादा से ज्यादा बार बार जरूरत पड़ती है उनको हम फंक्शन के अंतर्गत लिख देते हैं और कंपाइलर उसको बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। डेफिनेशन एक बार देना है, डिक्लेरेशन एक बार देना है, कॉलिंग आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। आगे के प्रोग्राम्स में हम फंक्शन का और अच्छे से यूज सीखेंगे, एक बार आप इसको चला के देखें, प्रैक्टिस करके देखें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। हैव अ गुड डे।